तो दोस्तों मुझे एक दोस्त मिला है जो ये एक नया अपना सेल्फ रैप बनाता है, रैप सॉन्ग जो आप लोग हनी सिंह और गुरु रंधावा आदर लोगों के रैप सुनते हैं उसी टाइप से एक मुझे एक दोस्त मिला है जो रैप गाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए कि इसका रैप कैसा लगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे दोस्त का एक रैप सुनिए, प्लीज़ आप रैप सुनाइए दोस्त प्यारे। ओके, जो चार लहनों की भीट पकड़ मन कोने वाली थीट पकड़, अजय लड़का ढीट मगर, जो भी यारा पीट मगर, इस खेल में नहीं है चीट मगर, जो भी करेगा चीट मगर, अजय तो मांगेगा भीख मगर, बस ऐपी ऐपी ला। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग दोस्तों, आज हम आए हैं देखिए बहुत ही सुनसान जगह पे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं दोस्तों बहुत दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे आप लोगों के पास, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। मैं इस जॉब में इतना बिजी था कि मेरे पास एक घंटे के लिए भी ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं रहता था। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग कुछ सोचा कुछ अलग ब्लॉग बनाते हैं, नया ढंग से ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं आज आया हूँ बहुत सुनसान जगह पे, पहाड़ों के बीच जंगलों में, ऐसे देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, आज बहुत अच्छा है। मैं सोचा कि आज यहीं ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इससे अच्छे मैं ब्लॉग डेली प्रॉपर आते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए और शेयर करते रहिए। तो देखिए और आगे ब्लॉग और भी अच्छे बनाऊँगा मैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी यहाँ पे आज धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है और हवा थोड़ी भी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही सुनसान एरिया में, बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए मैं आया हूँ। देखो आज बहुत ही अच्छा व्यू दिखाएंगे। मेरे पास बैक साइड में देख रहे हैं पहाड़, बहुत सारे बने पहाड़ हैं वहाँ, और पुल यहाँ पे कुछ एक नदी निकली हुई है, नदी का नाम तो मुझे नहीं पता है, वहाँ भी मुझे घूमने जाना है यहाँ पे। अब देखता हूँ यहाँ मैं उस पार जा पाऊँगा तो नहीं पाऊँगा। ये नदी यहाँ पे है, पुल के पास में सब है, नदी के पीछे हम लोग हैं। ये नदी बह रही है यहाँ पे पहाड़ों के पीछे, इसी के जस्ट पास में सेक्टर 4 मार्केट भी है, वहाँ मैं जा रहा था लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि यहीं पर आज ब्लॉग बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये नदी, ये हल्की नदी है, छोटी नदी है हमारी समझ से, है जो ये हरिद्वार से निकलती हुई ये सिडकुल साइड से चली जाती है। ये देख रहे कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पे BHL कंपनी है, वो पूरा इसका एरिया है BHL का सेक्टर, BHL देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। मुझे उस पार जाना है लेकिन उस पार कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा जो मैं उधर जा पाऊँ, लेकिन कोई पास में रास्ता मुझे नहीं दिख रहा अभी, लेकिन सोच रहा हूँ कहाँ पर निकलूँगा, कहाँ पर जा सकता हूँ, किधर से कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। यहाँ पर नदी की गहराई कुछ ज़्यादा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ बहुत यार इतना दूर आ चुके हैं घूमते घूमते, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ, मुझे भूख लग रही है लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई कुछ भी पास में मार्केट नहीं दिख रहा है, प्यास भी लग रही है लेकिन पानी यहाँ का नदी का पी सकता है लेकिन गंदा इतना पानी है तो मैं पी भी नहीं सकता। तो मैं अब जाऊँगा पानी पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करूँगा जाके पानी पीऊँगा फिर जाके आगे नेक्स्ट ब्लॉग क्रिएट करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लगातार देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जब आती है ना ये बहुत आती है, ये झूम लेना उस टाइम पर, उस
साइड तो और इस साइड तक का जुम्मो आप इस साइड तक भूल सकती है। गाय भैंस भी होती है जो अगर अचानक से आ जाए बह जाती है वो गाय भैंस झुकी उठती तो यही है यहाँ का। मगर अच्छा है तीन अगर बाग घूमने के लिए यहाँ पे आए तो बहुत हाँ टहलने के लिए बहुत बहुत अच्छा है वो अच्छा लगता है। लेके झोपड़िया भी है यहाँ पे आके गरीब लोग तो उन लोगों का भी बहुत होता है बहुत आगे हम लोगों की भी है उन लोगों का भी होता है जब आते हैं ना फिर तो उन लोगों की झोपड़िया भी रह जाती है भाई बहुत है लोग मिलते हैं। हाँ कभी कभी मतलब ये बाढ़ में जाता है बिल्कुल वैसे सही है वैसे तो ये सिंपल नहीं अपना ये मेरे फोकस मेरी जो की फैमिली है उन लोगों का नाम अपना क्या करते हैं मेरा नाम रोहित है भाई कहाँ के रहने वाले शिवालिक शिवालिक नगर के अंदर झोपड़ी है अपनी यहीं पे यज्ञ झोपड़ी हमारी यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है मगर लौट इससे हम लोगों को भी बहुत है यहाँ पे बहुत लौट है भाई यहाँ तो आप इसमें और कुछ भी करते हो मछलियाँ नहीं आती आती नहीं आती आती गंदा पानी फैक्ट्री आया ना जो इधर फैक्ट्रियों का आता है इसमें फैक्ट्री सेक्टर 4 सेक्टर 5 जो इससे आता था वैसे इतनी गंदा पानी ठंडी का पानी पीने के आ सकता था हमारे ठीक है ये नदी तो दोस्तों मुझे एक दोस्त मिला है जो ये एक नया अपना सेल्फ रैप बनाता है रैप सॉन्ग जो आप लोग हनी सिंह और गुरु रंधावा आदर लोगों के रैप सुनते हैं उसी टाइप से एक मेरे मुझे एक दोस्त मिला है जो रैप गाने में बहुत एक्सपर्ट है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए कि इसका रैप कैसा लगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे दोस्त का एक रैप सुनिए प्लीज आप रैप सुनाइए ओके जो चल लैनो की भीट पकड़ मन कोने वाली पीठ पकड़ अजय लड़का ढीठ मगर जो भी यारा पीठ मगर इस खेल में नहीं है चीट मगर जो भी करेगा चीट मगर अजय तो मांगेगा भीख मगर बस ऐसी ऐसी लाइने अपनी अपनी होती है। कोई सा भी रैपर होगा पहले एक लाइन लिखेगा दूसरी लाइन सोचने के बाद कम से कम एक दिन में दो दिन में बनता है एक सॉन्ग बनता है उनका बहुत टाइम लगता है हर चीज में टाइम सोचने में टाइम लगता है भैया लाइन पर लाइन मैच होनी चाहिए लाइन पर लाइन मैच होनी चाहिए बस वो ये बात और वो हम पे आसानी तकता है मैचिंग क्योंकि बोलते बोलते इतना अंदाजा हो जाएगा इस चीज पे ये लाइन अच्छी होगी मैचिंग होगी अच्छे से बस ये है। मगर इसके अलावा अगर कोई रैप आपका सॉन्ग चल कर रहा सॉन्ग है जो सॉन्ग है मगर वो यार मैं आपको देने का नहीं आपको क्योंकि मैं अपना यूट्यूब पर कोई अच्छा कैमरा बताओगे ना सॉन्ग सुनाओगे तो और अच्छा यूट्यूब पर मेरी भी ख्वाहिश है भी हो जैसे आपको ना ऐसी हमें दोस्तों को सुना दीजिए दोस्तों को यार मैं नहीं कैमरे के सामने अच्छा सुना नहीं सुनाने का यार ईमानदारी से ठीक है अपना हाल हो तुम्हें आने वाले टाइम पे ओके लाइक शेयर कमेंट भाई के लिए। तो दोस्त मुझे एक रैप सुनाया इसने बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो प्लीज़ इस दोस्त का रैप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और शेयर करिए थैंक यू धन्यवाद। संतान में मिलेंगे साधु संत जब सुनाएंगे अपना मन मेरा नाम सुन पत्ते भी कब जाएंगे अरे छोड़ो वीडियो बनी आपके लिए है ये वीडियो नहीं निकालने का मतलब गायब होगा बाकी शूटिंग एक कैमरे के लिए होना चाहिए एक मतलब शूटिंग के लिए होना चाहिए एडिटिंग के लिए शूट के लिए आदमी चार कम से कम हो यार भाई तो अच्छा लगता है कौन से जबकि आप ही हो तो आप ये सॉन्ग क्लियर करा करो यहाँ पे कोई दोस्त तीन चार लोग भाई हो अच्छा थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग करोगे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो वही बंदा कहीं ना कहीं एक फेमस हो जाता है। हाँ बिल्कुल बाकी घूमने को यहाँ भी अच्छा है नहीं है अच्छा नहीं घूमने के लिए अच्छा होता है और तो है
और अलग एरिया खोलते हैं, हर जगह घूमना चाहिए, घूमना चाहिए आदमी, जब भी अंदाजा है अच्छा लगता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई। पत्थर भी है यहाँ पे अच्छे अच्छे, अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। ये इतने सारे पत्थर ये समझ लो गंगा नदी से निकले हुए हैं, वहाँ पे कई वक्त आते हैं, इतने सारे पत्थर बहुत अच्छे। पीछे साइड में नदी भी है, अभी जाएंगे नदी में, नदी के उस पार दिखता हूँ घूमने जाऊँगा, उधर भी टहलने जाते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हैं।